लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट। अच्छा कार्टेशियन टेंजेंट का कोई खास मतलब नहीं, कार्टेशियन का मतलब होता है ना, हम अभी जो भी लेंथ वगैरह निकालने चल रहे हैं वो एक्स और वाई के टर्म में निकालेंगे, बाद में यही काम हम लोग किसमें करेंगे, पोलर में करेंगे। तो लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, चार क्वांटिटी है, टेंजेंट क्वांटिटी करेंगे, चार आइटम है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, सब टेंजेंट है, सब नॉर्मल है। और हम लोग बारी बारी वन बाई वन टेंजेंट की लेंथ निकालेंगे, सब नॉर्मल की लेंथ निकालेंगे, नॉर्मल की लेंथ निकालेंगे, सब टेंजेंट की लेंथ निकालेंगे। किसमें? फार्मूला तब डिराइव करें जब एक्स और वाई का टर्म होगा, बाद में यही सारी बातें हम लोग किसमें करेंगे, पोलर में करेंगे। चलो पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लो मुझको एक कर्व दिया गया है, ये कर्व है, और इसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मुझको बना लेने का, इस पर एक नॉर्मल ट्रेस किया गया है, नॉर्मल इसके हमेशा कैसा परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट इनिशियल लाइन से आकर के एक पॉइंट पर मिलता है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट अपना कैपिटल पी है और कैपिटल पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और इनको यहां से मिला देते हैं, हाँ इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ध्यान देना, एक कर्व दिया गया है, इस कर्व के पर्टिकुलर किसी पॉइंट कैपिटल पी पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट एक्स एक्सिस से जिस पॉइंट पर मिलता है वो ये पॉइंट है, बाद में भी नामकरण संस्कार कर देंगे, ये पॉइंट है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से आकर के मिलता है, और जब टेंजेंट आगे बढ़ता है तो वाई एक्सिस को पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कट कर देता है, यहां पर हुआ, और इस दिए गए पॉइंट पर एक नॉर्मल को ट्रेस करते हैं, नॉर्मल यहां आकर के एक्स एक्सिस पर मिलता है, ठीक, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर। चल अब पॉइंट का नाम लेते हैं, ये पॉइंट, ये तो ओरिजिन है अपने पास O, और जहां पर ये वाई एक्सिस से आकर के मिल रहा है टेंजेंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या देते हैं, ये पॉइंट अपना कौन है, टी डैश, ये पॉइंट टी डैश है, जहां पर एक्स एक्सिस से आकर के मिलता है इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल टी कह देते हैं, जहां पर ये जाकर के एक्स एक्सिस से नॉर्मल मिलता है इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल एन कह देते हैं, और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल एस कह देते हैं। इतना बना, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, ये टेंजेंट पी पर खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग साई कह देते हैं। अच्छा अब गौर करना, अगर ये एंगल साई है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस साई, ये 90 माइनस साई। अच्छा फिर देखना, जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर तो ये पूरा एंगल कितना है 90, और इतना आपने निकाल दिया 90 माइनस साई, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना हो गया साई। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा करना है इसको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी इसमें कुछ चीज लिखने चल रहे हैं, जैसे पहले बता देते हैं, सुनो ये जो हिस्सा आया, ये इस हिस्से को यानी P से लेकर के N तक की लेंथ को, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। ये जो निकल करके आ रहा है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। और सुनो ये जितना हिस्सा एस टी है, एस टी जो कि टेंजेंट की तरफ का हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग सब टेंजेंट कहते हैं, ये एस से लेकर के टी तक का हिस्सा, ये सब टेंजेंट कहते हैं, सब टेंजेंट। और एस से लेकर के एन तक का हिस्सा जो कि नॉर्मल के साइड में है, इसको सब नॉर्मल कहते हैं, सब नॉर्मल। अब पूरा फिगर बना लो फिर हम लोग शुरुआत करें। और यूपी बोर्ड वालों, लाल बटे कक्का याद है, सीबीएसई बोर्ड वाले लाल बटे कक्का पढ़े, कुछ और पढ़े, Thank you.
तुम लोग ये पढ़े थे पीबीपी अपॉन एच एच बी याद है ना, ये वाला जो होता है ना, ये वाला यूपी बोर्ड वालों की शुद्ध प्रकृति है, ये वाला जो होता है ये सीबीएसई बोर्ड वालों की शुद्ध प्रकृति है। देखो आप इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों में, मेरे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये तो होता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको आप कर्ण बोलते हो हिंदी में, कुछ जानकारी दे देना यूपी बोर्ड वाला सीबीएसई बोर्ड वाला दोनों को मिल जाए। जो आपका बेस होता है बेस, इसको हिंदी में आधार कहा जाता है, आधार, ठीक। जो आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब कहा जाता है, ठीक। और जो आपका हाइपोटेनस होता है, इसकी स्पेलिंग में हमको दिक्कत हो जाएगी, ये बता है हाइपोटेनस, बहुत कम हम इसको लिखते हैं, बहुत कम, और इसकी स्पेलिंग में अक्सर मुझसे गलती होती है। हाइपोटेनस इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। अच्छा तुम लोग ना अंग्रेजी से चलते हो, यूपी बोर्ड क्या चलता है, वो हिंदी से ही चल देता है, हिंदी को अंग्रेजी में कहता है। ये एल फॉर ए फॉर आधार, आधार वही बेस, और एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, और ये भी कौन है, ये यूपी बोर्ड ऐसा पढ़ता है, लंब बटे कक्का। और तुम लोग पढ़ते हो पीबीपी एचएसबी, टोटल चार चीजों की हम लोगों को लेंथ निकालनी है। पहली इधर लिख दे रहे हैं, हम लोगों को एक लेंथ चाहिए किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट का मतलब टेंजेंट कौन होगा, ये लेंथ चाहिए, पीटी, पीटी चाहिए। सुनो चाहिए हमको लेंथ, हम हर बार लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेकिन अगर कभी भूल से लेंथ हट गया और केवल टेंजेंट लिख दिया ना, तो वहां पर भी मतलब उसका क्या होगा, लेंथ ही निकाली गई है, ठीक है। तो एक काम को चाहिए टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई, पी से लेकर के टी तक की डिस्टेंस पीटी चाहिए। इसके बाद हमको किसकी लेंथ चाहिए, सब टेंजेंट की चाहिए, साथों साथ लिख रहे ना, सब टेंजेंट की लेंथ, और सब टेंजेंट कौन है, टेंजेंट की तरफ वाला हिस्सा एस टी, तो मतलब हमको एस टी निकालना है। इसके अलावा हमको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल की लेंथ कौन है, ये पी एन, तो हमें पी एन चाहिए, और इसके साथ हमको चाहिए सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, और सब नॉर्मल हमारे पास कौन है, एस एन है, ये एस एन। ये चार लेंथ हमको निकालनी है, टेंजेंट की, सब टेंजेंट की, नॉर्मल की, और सब नॉर्मल की। और कर्व हमको ऑलरेडी दिया गया है, कर्व वही वाई बराबर एफ एक्स, जो मेरा कर्व हुआ करता था, ठीक। आज की तारीख में कर्व कम केवल ऐसे एक लाइन खींच करके कर, ये बताओ क्या आप बच्चों वाली हरकत करके ये बात लिखे कि लेट दिस इज अ कर्व वेयर कैपिटल बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बी ट्रेस अ टेंजेंट एट द पॉइंट कैपिटल बी, पीटी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एसएन पीएल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, समझदार फिगर में सारी बातें लिख दिए हैं, कितना हिस्सा कौन है नॉर्मल, कितना हिस्सा कौन है टेंजेंट, ये कौन है सब टेंजेंट, ये कौन है सब नॉर्मल, फिगर में बता दिया। तुमको ये सब लिखना हो लिखो, अदरवाइज ये सब ना लिखो, चलेगा। O कौन है, ओरिजिन, चलें कैलकुलेट करें। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी ऐसे डबल स्टार करके लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू। अच्छा एक और चीज देखो, इधर इधर यहां से लेके यहां तक आप यक्स एक्सिस पर कितनी दूर चले हो, कोऑर्डिनेट लिखो कितना है x, पूरी दूरी यानी O से लेकर के S तक की ये पूरी दूरी कितनी है x है, दिमाग में रखना। अच्छा उसके बाद आप y एक्सिस पर कितना हाइट ऊपर गए हो, y, तो ये पूरी की पूरी हाइट आपकी कितनी हो गई, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी उसी में बना देना, ये टोटल y है। Thank you.
अच्छा एक चीज याद रही थी, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पढ़ते राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बेस पर दो एंगल आते, एक 90 डिग्री का और एक आपका वो पर्टिकुलर एंगल साई आता था। तो अगर ये बताओ, केक की चर्चा चली है तो अपने लोग जिक्र कर सकते हैं, ये केक का टुकड़ा है बी टी और एस, इसको काट करके बाहर निकालते हैं, और अगर हम इसको यहां पर बनाए तो सोचो इसी को हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये बताना ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये बेस एंगल पर्टिकुलर फिक्स एंगल हुआ करता था, इसको हम कहते हैं ये आज फिक्स एंगल कौन है साई, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस साई। आओ नामकरण संस्कार करो, साई किस पर बना हुआ है टी पर, तो ये पॉइंट कौन है कैपिटल टी है, 90 किस पर बना हुआ है एस पर, तो ये कौन है कैपिटल एस, और ये पॉइंट 90 माइनस साई पर कौन है ये कैपिटल, ठीक। पी से लेकर के एस तक की हाइट कितनी है वाई, आपको क्या चाहिए पीटी चाहिए कि नहीं, अगर मुझको पीटी चाहिए तो आप सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों अपने अपने डोमेन में रहें, लाल बटे कक्का ये है यूपी वालों के लिए और पीबीपी क्या देते एक तुरंत। चलो ये बताओ अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए पीटी, पीटी का मतलब अपने को क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस का मतलब अपने को कर्ण चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, अच्छा अपने को पता कौन है ये परपेंडिकुलर पता, देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन ये है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, यूपी बोर्ड वालों लंब और कर्ण, ये कौन है कर्ण और ये कौन है लंब, दोनों के बीच में रिलेशन ये मौजूद है। तुमको क्या चाहिए, लंब चाहिए कर्ण, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस चाहिए ये, तो इसका मतलब हम लोग ये काम करें इधर को अपना k by l is equal to कितना sin या cos, cosec sin, cosec sin, इधर से sin तो sin का कितना हुआ l by k, इसका मतलब cos का cosec का कितना हुआ k by l। अच्छा तुम लोगों के हिसाब से इधर से sin sin is equal to p upon h हुआ, लेकिन मुझको क्या चाहिए h चाहिए, तो h को इधर लेकर के जाएं, this implies that h is equal to p into cosec sin, सबको समझ में आया ठीक। तो यहां पर क्या लिख रहे pt is equal to y into cosec sin, सहमत हो या नहीं सहमत हो, लिखा जा सकता है ज्यादा शॉर्ट हो गया, चेहरे बता रहे हैं कि ज्यादा शॉर्ट हो गया। चलो अच्छा यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अपने अपने हिसाब से जो भी तुम लोग जानते हो उस हिसाब से लिख लेना, एक हम इधर लिख दे रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए लाल भट्टे कक्का, और इधर लिख दे रहे हैं पीबीपी और एचएचबी। चलो सबसे पहले ना साइन वाले हिस्से को देख लेते हैं, हम लोगों को इधर से पता है कि साइन साई इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण, यूपी बोर्ड वाले देखो लंब बटे कर्ण पी एस अपॉन कितना के यानी पीटी, पी एस बाई पीटी, मुझको चाहिए क्या चाहिए क्या पीटी चाहिए, तो पीटी को इधर लेकर के आ रहे हैं और साइन साई को इधर लेके जा रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से मिलता है पीटी इज इक्वल टू पी एस कॉसेक साई, कॉसेक साई, और पी एस की वैल्यू हमको पता है पी एस कितना है वाई है, तो पीटी इज इक्वल टू वाई कॉसेक साई, ये मिला। अच्छा अब सीबीएसई बोर्ड वालों अपना अपना देख लो तुम लोग, ये यूपी बोर्ड वालों से पी बाई एच इज इक्वल टू कितना साइन साई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन साई, लेकिन मुझको क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस को इधर लेकर के आओ, दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू पी बाई पी बाई साइन साई पहले लिख गए, दिस इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू बी कॉसेक साई, यही ना। चलो एच की वैल्यू देखो, एच कौन है, एच कौन है पीटी है, तो एच हो गया अपना पीटी इज इक्वल टू ये कौन है पी एस, पी एस कोसेक साई, यानी दिस इंप्लाइज दैट पीटी इज इक्वल टू बाई कॉसेक साई। अब जिनको जहां जैसे लिखना है वो पहले रफ पर कल कॉर्नर पर कहीं पर अपना लिखे, हम सीधे लिख रहे हैं पीटी इज इक्वल टू बाई कॉसेक साई। हाँ क्या हुआ कहां पर चमक, चमक की वजह से
यहाँ दिखेगा, यहाँ 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 दिखेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू वाई कॉसेक साइन। नोट करो वाई कॉसेक साइन। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अपने अपने हिसाब से लिख लेना ना। अगर हम सीबीएसई बोर्ड वालों ने बोला ना यूपी बोर्ड वालों को इनको सीबीएसई वालों ने बोले तो सीबीएसई वालों की यूपी का अंक लग जाएगी लाल बटे घटका पड़ जाएगी वो ज्यादा अच्छा होता है ना रिजर्व में लाल बटे घटका। नोट करो फिर चले आगे। अच्छा ये बताओ क्या कोसेक साई को अंडर रूट कोसेक स्क्वायर साई लिखा जा सकता है कि नहीं। इसका मतलब इनको लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट पीटी इज इक्वल टू वाई अंडर रूट कोसेक स्क्वायर साई। इसमें आ रहा है नहीं इसमें भी ना आए। अच्छा और ये बताओ क्या कोसेक स्क्वायर साई को वन प्लस कॉट स्क्वायर साई लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर साई। ठीक। अच्छा क्या कॉट साई को वन अपॉन टेन साई लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड वाला यस हो चुका है ये हो गया। यानी दिस इंप्लाइज दैट पीटी इज इक्वल टू अरे वाई छूट गया वाई अंडर रूट। अगर एक बात संभाल पाओ तो तुरंत ठीक है। ये बताओ हम कॉट साई को लिखने वाले हैं 1 अपॉन टेन लेकिन टेन होता है डी बाई डी एक्स टेन होता है बना कितना डी बाई डी एक्स तो कॉट क्या डी डी एक्स डी वाई होगा कि नहीं होगा। तो यानी हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस डी एक्स डी वाई लिखा जा सकता है। लेंथ आ चुकी है दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। अपने को ना सारी लेंथ डेरिवेटिव के टर्म में बतानी है क्योंकि मुझको केवल कर्व दिया जाएगा y बराबर f ऑफ x और उसी को डिफरेंशिएट करके dy dx निकालना है। एक बार dy dx आ गए पलट करके dx से dy कर देंगे और लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट pt इज इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस dx dy होल स्क्वायर। नोट करो नोट करो फिर आगे चलते हैं पहले इनको रोकते हैं। डबल स्टार करके लिख देना लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल देखो सब टेंजेंट कौन है ST ये रहा ST चलो ST यहीं पर मौजूद है ये यही ST चाहिए। अब की बार सुनना अब की बार बेस में यानी आधार में और किस में लंब यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए। गौर करना ST कैसे आ रहा है। अगर हम गौर करें तो ये आधार बटे कर्ण काम कर सकता है आधार बटे कर्ण सीबीएसई बोर्ड बी बाई एच ये नहीं चाहिए नहीं काम करेगा। ठीक अपने को बेस चाहिए ये वाला काम करेगा ये लास्ट का अरे एच एच बी होना चाहिए ना एच एच बी क्या ये काम करेगा। हाँ जो हमको पता है एक वो रहे और दूसरा जो हमको निकालना है तो एक हमको पता है परपेंडिकुलर और दूसरा हमको निकालना है बेस यानी हमको लंब पता है और आधार निकालना है काम हो जाएगा। ये बताओ इससे क्या बनेगा। अगर हम इससे लिखना चाहें तो लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर पी एस अपॉन बेस कितना है एस टी इज इक्वल टू टेन में जाएंगे इज इक्वल टू टेन साइन। मुझको क्या चाहिए एस टी चाहिए जरा एस टी को उधर लेकर के जाओ तो ये अपने पास आया पी एस इंटू कॉट साई इज इक्वल टू एस क्या यही लिखा जा सकता है कि नहीं।
अप्लाई कर दे। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? चलें चलो शुरुआत करते हैं। एस टी इज इक्वल टू पी एस कॉट साइड, पी एस कॉट साइड। दिस इंप्लाइज दैट एस टी इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू हमको पता है, पी एस कितना है वाई कॉट साइड, पिछली बार कितना था वाई कोसेक साइड, वाई कॉट साइड। अब cot psi की वैल्यू सबको पता है dx dy, यानी this is equal to y into dx dy, नोट कर। अगर dy dx के टर्म में यही बात लिखनी हो तो बस एक काम करना y upon dy dx कर देना, यानी this is equal to y upon dy dx। This is the length of subtangent. याद किए चलना, length of tangent कितनी आती है y under root 1 plus dx dy square, और length of subtangent कितनी आती है y upon dy dx। Clear हुआ? सुनो एक बार derive करके निकालो, फिर सब को एक जगह पर एक bracket में बंद कर लेंगे, अपने को केवल formula याद रखना है बस। Derivation अब नहीं है course का हिस्सा, पहले derivation भी पूछ दिया करता था लेकिन आज की तारीख में डेरिवेशन नहीं पूछता, फिर भी तुमको पता ये रहना चाहिए ये लोग आते कैसे। आदर्श उस पल्ले वाले पढ़ रहा है, हाँ नहीं पबजी चक्कर में उड़ा दे उसको। दो हो गए, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अगला काम किसका, लेंथ ऑफ नॉर्मल का। पहले पूरा लिख लो तब फिर आगे चले। ये वाला हटा दें, ये मेरा वो रफ कार्य हेतु जगह जो काफी माते नहीं कॉर्नर फॉर द रफ वर्क, ये हटा दे रहे हैं इसको भी। फिर डबल स्टार्ट करना, लेंथ ऑफ नॉर्मल डबल स्टार करते हुए, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा और नॉर्मल की लेंथ देखते हैं, नॉर्मल की लेंथ कितनी है, पी एन। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू पी एन। चलो चेक करते हैं, सुनो इधर वापस आ। अब की बार ना केक का ये वाला टुकड़ा काम आएगा, इसको बाहर निकालो और घुमा करके रखते हैं। इधर देखना, इसको हम लिखने चल रहे हैं, ये बेस एंगल कितना है, बेस एंगल साई। तो इसका मतलब साई किस पर बना हुआ है, पॉइंट कैपिटल पी पर, सामने 90 डिग्री एंगल किस पर बना है, एस पर। तो ये कितना हो गया कैपिटल एस, ये एंगल कितना है अपना 90, और ये हो गया 90 माइनस साई। ये केवल पॉइंट पता कर लो बस, कौन है ये पॉइंट है। और ये बताओ एक वैल्यू तुमको इसमें पता है, पीएस, पीएस कितना है ये पता है। क्लियर, चाहिए क्या भूल जाओ, पीएन चाहिए, पीएन ये चाहिए। अब की बात सुनना, अब की तुमको हाइपोटेनस यानी कर्ण पता है, सॉरी ये चाहिए, और आपको बेस यानी आधार पता है। चेक करो एक जगह पर रिलेशन आया है, देखो ये हाइपोटेनस बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक बेस बाई हाइपोटेनस करोगे तो कॉस बनेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए हाइपोटेनस, तो हमको उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब हमको सेक चाहिए, यानी ये लिखा जाएगा इससे देखना, पी एस अपॉन पी एन इज इक्वल टू कितना, बेस बाई हाइपोटेनस लिया ना इज इक्वल टू कॉस साई बना। मुझको क्या चाहिए, पी एन चाहिए, पीएन चाहिए ना, पीएन ये वाला हिस्सा ये नॉर्मल, और जब ये चाहिए तो पीएन को इधर ले जाओ इनको इधर लाओ, तो पीएन इज इक्वल टू कितना हो गया, पी एस कॉस नहीं सेक, पी एस सेक साई, और पी एस कितना है वाई, तो ये कितना बना वाई सेक साई। ये लिख सकते हो, ये बना करके कॉर्नर पर लिख दो, क्योंकि बाद में तुमको ना यही समझना है कि ये आया कहां से, हम यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं। Pn is equal to Ps sec psi. This is equal to y
ये बना लो सब लोग। इसको बनाने के लिए दिमाग में बस एक क्राइटेरिया पकड़ करके रखना, बेस में जो एंगल साई होगा ना वो फुल एंगल रखना, कटाफटा एंगल ना रखना, 90 माइनस साई वाई का रखना, बेस में कितना रख दो साई, और एक बार साई रख दिए तो 90 डिग्री वाले का पॉइंट टू पॉइंट चलो, साई किस पर बना था पी पर, 90 किस पर बना था एस पर, तो अगला वाला बच्चा कौन है उसे ले। ये बताओ क्या सेक्स आई को अंडर रूट सेक स्क्वायर साई लिखा जा सकता है, और सेक स्क्वायर साई को वन प्लस टेन स्क्वायर साई लिखा जा सकता है, तो क्या हम लोग सीधे सीधे एक काम करें या चल ही देते ना, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे, y अंडर रूट सेक स्क्वायर साई इसका मतलब दिस इज इक्वल टू y अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर साई, और मुझको पता है टेन स्क्वायर साई की वैल्यू टेन की वैल्यू डी वाई डी एक्स होती है, यानी दिस इज इक्वल टू y अंडर रूट वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। एक बचा कौन सा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसको और लिखे उसके बाद सबको सिस्टमेटिक एक जगह पर इकट्ठा कर। पिछली बार ना पिछले साल लास्ट ईयर ये ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ऑब्जेक्टिव वाले में इसके सब की कोई प्रूफ नहीं, लास्ट ईयर में ना इसको केवल लिख दिए थे बस ये होता है, लेकिन जाहिर सी बात ना मैथ है, कोई चीज ऐसे ही लिख दे रहे हो सामने लड़कों को ना इसको एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत हुई, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि कैसे आया कहां से क्या लिख दिया गया, आप डीवाई डीएस डीएस डीवाई के फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, लेकिन बात यही थी ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा लड़के भी बड़े गजब गजब होते हैं, अब उनको प्रूफ कराते ना तो वो कहते सर ऑब्जेक्टिव है तो आप प्रूफ क्यों करा रहे हैं, और जब उनको लिखा दिए तो वो कह रहे सर समझ नहीं आया है, तो दो रास्ते क्या चल रहे, एक के रास्ते चल रहे लेकिन नहीं चलते वो दोनों रास्ते थे, हो गया हम तो बताना हटाया जाए हो गया, अरे ये मिटा के गलत ये और ये और ये साई और ये 90 और ये फाइव, चलो अगला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये मिटा दें, सबका हो गया है लिखना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू बोलो सब नॉर्मल कौन एस एन ये श्रीनिवास इज इक्वल टू एस एन का मतलब अपने को क्या चाहिए बेस पता है, बेस पता है परपेंडिकुलर चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देखो, बेस और परपेंडिकुलर ये रहा ये यानी लंब और आधार का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, चलो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हैं, बेस कितना है पी एस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है एन एस, और बराबर कितना आएगा टेन साइन, यही था, लेकिन मुझको क्या चाहिए मुझको एन एस चाहिए, एन एस को इधर लेकर के जाओ तो ये हुआ एन एस इज इक्वल टू, अच्छा उल्टा लिखिए क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना जी रहा, तो ns is equal to अपने पास कितना मिला ps into 1 upon part tan psi, लेकिन ps कितना है y, तो ये हो गया y tan psi, लिखा जाए sn is equal to ps tan psi, ps tan psi this implies that sn is equal to y tan psi, और सबको पता है tan psi बराबर dy dx, तो y into dy dx ये आ गया length of subnormal। अब हम सारा का सारा final conclusion एक जगह लिखेंगे। अच्छा अब तुम लोग तो इस कैटेगरी में नहीं गए ना कि कहां से आया हम कैसे एक्सेप्ट करें, एग्जाम टाइम में तुमको ये प्रूफ पढ़ने की नीड रहेगी, तुमसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा ठीक,
तुमसे जो कुछ भी होगा इसके ऊपर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल में भी तुमको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन फिर भी प्रूफ अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम सब एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, हो गया चले आगे सब लोग लिख के। अच्छा सुनो, अब जरा मेरी मदद करो, सुनो जरा लिखना मत तुम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला वाई अंडर रूट वन प्लस डी एक्स डी वाई होल स्क्वायर, ये रहा। अच्छा इसके बाद फिर निगाह डालो जरा लेंथ ऑफ नॉर्मल पर, नहीं सब टेंजेंट नहीं, लेंथ ऑफ नॉर्मल पर निगाह डालो, y अंडर रूट वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये रहा। समझ में आया क्यों हम एक साथ किए, क्योंकि अब एक का पता है टेंजेंट का dx dy होल स्क्वायर, तो नॉर्मल का dy dx का होल स्क्वायर, ये बना। अगले पर आना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना, y इंटू dx dy, यानी y अपॉन dy dx, यही है, यही है y upon dy dx। तो सोचो सब नॉर्मल क्या है, y into dy dx है, यानी length of सब नॉर्मल is equal to y into dy dx। अब याद करने में आसानी होगी कि नहीं, लिख करके घेरा मार, ये याद रखना। आप कैसे, अगर तुम्हारी मर्जी है तो पहले नॉर्मल लिख दो, लेंथ ऑफ नॉर्मल y into under root 1 plus dy dx whole square, तो पता है इसी को पलट दो बस, खाली केवल इसी एक को पलट दो, बाकी सब as it is, वो कौन होगा length of tangent होगा। इन पर आना, तो सब tangent के लिए y upon dy dx, तो सब normal के लिए y into dy dx, याद करने में काफी आसानी है, निकालते वक्त साथ में साथ निकाले थे, लिखते वक्त अलग अलग ही दिया बस। अब ये पूरा नोट कर लो तब फिर चलो। मेरा अगला काम यह होगा एक एक टास्क पूरा करें, चार चीजें निकाल चुके, पहला क्या निकाले टेंजेंट की लेंथ, दूसरा तीसरा चौथा, इतना निकाल चुके। अब सुनो दो और चीजें बची है ना जो आंख के आगे आ रही है और उनको भी निकालो। ये बताओ जब टेंजेंट आगे बढ़ता है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट काटता है, ये ओ से लेकर के टी तक का, क्या ये एक डिस्टेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इंटरसेप्ट है जो टेंजेंट किस पर बना रहा है एक्स एक्सिस पर। लेकिन उसके बाद देखो जब टेंजेंट आगे बढ़ता है तो ओ से लेकर के टी तक का एक और इंटरसेप्ट काट लेता है कि नहीं, इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर एक एक इंटरसेप्ट एक एक अंताखंड काटता है। अब हमको इसकी भी लंबाइयां निकालनी है, ठीक। अब हम लोग लेंथ निकालेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द एक्सिस, टेंजेंट ने एक्सिस पर जो बनाया हुआ है अब उनके लिए काम करना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल देना, इसके लिए हेडिंग डाल दो अलग से, इसको कर देना नहीं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
टेंजेंट के द्वारा कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बनाए गए इंटरसेप्ट के बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहला काम ये करो, पॉइंट कैपिटल पी कौन है, एक्स वाई है। इस दिए गए जनरल पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। किस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सब लोग जानते हो, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई डीएक्स इनटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल। लिखना टेंजेंट एट कैपिटल पी गिवन बाय टेंजेंट एट कैपिटल पी पॉइंट है एक्स वाई इज गिवन बाय कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स और इनटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। आगे लिख देना एट द पॉइंट कैपिटल पी, आगे एट द पॉइंट कैपिटल पी लेकिन ये बताओ जिस वक्त टेंजेंट बढ़ करके आगे एक्स एक्सिस से मिल रही है, इधर देखना टेंजेंट आगे बढ़ती है और टेंजेंट आगे बढ़ते बढ़ते एक्स एक्सिस से आकर के मिलती है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से मिल रही है वो पॉइंट दो जगह पर मौजूद है, टेंजेंट पर भी मौजूद है और एक्स एक्सिस पर भी मौजूद है, दोनों जगह का पॉइंट है। लेकिन मुझको पता है एक्स एक्सिस के पास जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से मिली है वहां पर जनरल वाई कोऑर्डिनेट कितना भर दिया जाएगा, जीरो। क्लियर है ये बात है? ये नहीं, ये पर्टिकुलर जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है इसको मत करना, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है स्मॉल एक्स, तो ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस से बहुत दूर मौजूद है। अपने को वो पॉइंट चाहिए जो जनरल पॉइंट है, और जनरल पॉइंट कौन है, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। जनरल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट ना जो आपके टेंजेंट पर कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पर भी। तो जब टेंजेंट आगे बढ़ी तो उसने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा वो एक जनरल पॉइंट था, और वो जनरल पॉइंट पर्टिकुलर बन चुका है। पर्टिकुलर पॉइंट कैसा हो चुका है, जहां पर आप पूरी टेंजेंट को ला करके कहां रख दिए हो, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना भर दिया जाएगा, जीरो। लिखा जा सकता है, लिखना इसी बात को, टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस, टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस, टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस वेयर y is equal to 0. Tangent x axis से जिस पॉइंट पर मिलता है वहां पर y बराबर कितना हो जाता है, 0. ठीक, that is, अर्थात where, जहां पर ये रख दो यहां पर 0 minus y is equal to dy dx into x minus small x. ये बताओ कैपिटल टी, कैपिटल टी फिलहाल के लिए कैपिटल टी एक जनरल पॉइंट है कि नहीं, जो टेंजेंट पर तय रहा है। अगर हम कैपिटल टी के कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, अगर हम कैपिटल टी के कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कह दें तो मुझको ये पता चल चुका है वाई कितना हो चुका है, उसको केवल क्या निकालना है। अगर एक्स और निकल जाए तो बिल्कुल हमको लेंथ पता चल चुकी है, लेंथ कितनी होगी, तो एक्स कैसे मिलेगा, एक्स देखो ये यहां से क्या यहां से ट्रांसफर वगैरह करके एक्स को निकाला जा सकता है। ये जो एक्स आएगा ये बताओ यही इतना तो एक्स होगा, तो क्या हम लोग इसको ओटी नहीं कह सकते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकता ओटी बराबर कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लें। सबको ये बात समझ आ रही है, लिखना और अथवा और एक्स दैट इज ओटी इज इक्वल और एक्स दैट इज ओटी इज इक्वल टू, इधर देखो ओटी हम इस तरीके से निकाल दें, ये दूरी कितनी है ओ एस, और ओ एस में से कितना निकाल दें एस टी, तो क्या हमको ओटी मिल जाएगा कि नहीं, तो दिस इज इक्वल टू ओ एस माइनस एस टी। अब तुमको ओ एस पता है, ओ एस कितना है एक्स, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस, तुमको एस टी भी पता है, एस टी कौन था सब टेंजेंट, अभी सब टेंजेंट की लेंथ लिखो कितना वाई अपॉन अपॉन डी वाई डी एक्स यानी वाई टू डी एक्स, लिखा जा सकता है नोट कर। क्या हुआ, कहीं कंफ्यूजन,
वहां से निकाल के तब भी यही होता है, उससे देखो उससे यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। चले फिर आगे निकालें। अच्छा अब ये बताओ, थीम नहीं बदलेंगे, सेम थीम अप्लाई करें। अब की बार हमको क्या निकालना है, ये वाली लेंथ OT डैश निकालनी है, OT डैश। लेकिन उसको पता है टेंजेंट जब आकर के वाई एक्सिस से मिलती है तो अब की बार जनरल कोऑर्डिनेट x बराबर कितना होगा, जीरो। तो एक बार y बराबर जीरो रखे, अब की बार x बराबर जीरो रख देंगे, काम बन जाएगा कि नहीं, लिखना अगेन, देखो अगेन लैंग्वेज बोल रहा है, अगेन टेंजेंट मीट्स y एक्सिस, अगेन टेंजेंट मीट्स y एक्सिस, अगेन टेंजेंट मीट्स y एक्सिस वेयर कैपिटल x बराबर जीरो, वेयर कैपिटल x बराबर जीरो, That is, रखो अब की बार इसमें x बराबर जीरो रखो, that is y minus small y is equal to d by dx और into कितना minus x, बस ऐसा लिखे। सोचो y आपको मिल चुका है, y this implies that y is equal to OT dash is equal to, इसको उधर लेकर के जाओ, कितना हुआ y minus x dy dx, क्लियर हुआ। अब हम दोनों को एक साथ लेते हैं एक ब्रैकेट में, अपने को याद करने में फिर आसान है, जैसे अभी चार को उठा करके एक साथ रखे ना तो अपने को नजर आया कि ये लिखने में आसान इस तरीके से। अब ये पूरा फिगर हटा रहे हैं, मेरे पास फाइनल आया, सो इंटरसेप्ट, सो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, सुनो किस पर मान रहे, एक्स एक्सिस पर। तो जब एक्स एक्सिस पर निकाले हो तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना आया, 40। सोचो एक्सिस कौन सी है, x, तो आगे भी कौन आया x, माइनस अगला कौन y, एक्सिस कौन है बलिहारी भी x की है dx dy, ऊपर ऊपर x चल रहा है क्योंकि आप किस एक्सिस पर निकाल रहे हो, x पर, y पर निकालोगे तो ऊपर ऊपर कौन चलेगा, y चलेगा। देखना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखो y माइनस x, इधर कौन y, अब y माइनस x और इनटू कितना dy, ये रहा। और ये इंटरसेप्ट किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, y tan u, y tan u, नोट कर पैटर्न याद आया, जब आप यक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो ऊपर ऊपर कौन चलेगा, x चलेगा, x माइनस y इनटू dx dy, जब y एक्सिस पर निकाल रहे हो तो क्या चलेगा, y माइनस x dy dx, पैटर्न याद रखना जरूरी है, फार्मूले इतने हैं ना कि पैटर्न बिना बनाए कोई फार्मूला सही सलामत दिमाग में बैठ नहीं पाता। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में रिलेशन मिला ना, जस्ट उल्टा उल्टा सा चल रहा है, टेंजेंट में क्या था डी एक्स और डी वाई, तो नॉर्मल इतना आया डी वाई डी एक्स आया, ठीक। जब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की बात की तो एक में वाई अपॉन डी वाई डी एक्स, तो एक में वाई इंटू डी वाई डी एक्स, वाई सी इसका इक्वेशन होता है। प्रॉब्लम लिखो इन अकेडमी, इन अकेडमी y इज इक्वल टू c cos hyperbolic x by c, x by c, prove that, prove that
the length of the portion, the length of the portion, the length of the portion of the normal, of the normal intercepted between the curve, intercepted intercepted between the curve and the x-axis, between the curve and the x-axis, and the x-axis is y square by c. Numerical note करो, फिर चलते हैं. पहले लिख लो, फिर पढ़ते हैं उसको. क्या क्या है, करना क्या है. ये कैटनरी दी गई है, आप गौर से सुनना. ये कह रहे इन अ कैटनरी y is equal to c cos hyperbolic x y c. आप तो सबको पता है कि कैटनरी का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, बस यही कैटनरी है. ठीक है, नजर आया. चाहे जितना टाइट का भी रहेगा कैटनरी, ये इसको भी कैटनरी बोलोगे, ये भी कैटनरी, ये भी कैटनरी, हर एक ये कैटनरी है. इस कैटनरी के लिए ये एक बात करें, कुल मिला के आउट शेप बना सकते हैं, चलेगा. सुनो, इन अ कैटनरी, और इसका इक्वेशन दिया जाता है y is equal to c cos hyperbolic x y c. ये प्रूव दैट, आप ये बात सिद्ध कीजिए. द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल के हिस्से की बात कर रहे हैं. लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल, लेकिन कैसा पोर्शन, कौन सा टुकड़ा, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस. ये नॉर्मल के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो कर्व के और x एक्सिस के बीच में आता है, क्योंकि नॉर्मल तो आप खींचते जाओ, नॉर्मल तो एक लाइन है, वो बढ़ती हुई चली जाएगी. तो आपको केवल उतने टुकड़े तक की लंबाई निकालनी है जो टुकड़ा कर्व के और x एक्सिस के बीच में आता है, उसकी लंबाई कह रहे हैं कितनी होनी चाहिए, y स्क्वायर बाई c. अब हम कर्व को पूरा बोल रहे हैं, ये रहा, ठीक. और इसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रा कर दिया गया, ये रहा टेंजेंट. ठीक, टेंजेंट एक्स एक्सिस से कहीं पर आकर के मिलेगा, इस पॉइंट पर आकर के मिलता है. मान लिया ये कौन है, वाई एक्सिस है, ये कौन है, एक्स एक्सिस. फिगर बनाने की रेडी नहीं, बनाना सब बाद में बना देना. और ये इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा, ये कौन है, ये है नॉर्मल. लेकिन मुझको पूरा नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझको नॉर्मल के केवल उस टुकड़े की लंबाई चाहिए जो बीच में बैठती है. किसके बीच में बैठती है, कर्व के और x एक्सिस के बीच में. ये आपका एक्सिस है और ये आपका कर्व है, और इस कर्व के बीच में कितना ही पोर्शन नॉर्मल है. क्या अभी हम लोग इसी की लंबाई निकाले हुए थे कि नहीं निकाले थे, याद करो, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा था ये, और ये था टी. तो यहां आकर के मिले थे किस पर, टी डैश पर. और हम लोग नॉर्मल की लेंथ का फार्मूला निकाल चुके थे, बस मुझको नॉर्मल की लेंथ का फार्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम बन चुका है. कुल मिलाकर के हम अब सबसे शॉर्ट में बोल रहे हैं, मुझको लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए. लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला याद है, कितना था, बस इतना ही चाहिए, और इतना ही निकाल करके. चले शुरुआत करें, न्यूमेरिकल समझ में आया. सबसे टेढ़ी खीर न्यूमेरिकल में बस यही इतनी है, कैटनरी इतना ही, वो भी अगर आप फिगर बनाओ तब, नहीं फिगर बनाओ तो मुझको केवल इतना कहा गया है, फॉर अ कर्व y is equal to c cos hyperbolic x y c. अगर फिगर नहीं आता है ना तो केवल कहो फॉर अ कर्व, आपको कोई भी कर्व दिया, मुझको क्या पता वो कर्व क्या हो, पैराबोला हाइपरबोला हो, क्या हो, कुछ भी नहीं पता, बस एक कर्व दिया गया है और मुझे उस कर्व के लिए किसकी लेंथ निकालनी है, नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, बस उतना. और अब मेरे पास सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करने के, चलिए शुरुआत लिखना. गिवन कर्व बी सॉल्यूशन, गिवन कर्व बी वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी. ये आपको दिया गया कर्व है, कोई इक्वेशन इक्वेशन नाम देना दे देना, वैसे कोई जरूरत नहीं है. इक्वेशन नंबर वन,
सबको पता है dy/dx की नीड होगी, तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर लो. दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट सी बाहर आया, cos का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक, माइनस माइनस मत करना, sin हाइपरबोलिक x / c. अब अंदर में x / c का डिफरेंशिएशन क्या, इस c से ये हो गया dy/dx की वैल्यू केवल आती है sin हाइपरबोलिक x / c. दिस इंप्लाइज दैट dy/dx is equal to sine hyperbolic x by c. वो विद्या मंदिर में तुम लोगों को ब्रिजेश सिंह मैथ पढ़ाए थे? ब्रिजेश सिंह नहीं, जा चुके होंगे, उनका बाद में शायद कहीं सिलेक्शन हो गया था विद्या मंदिर में, शुरुआत में वही पढ़ा और वो थे ओपी सर. चलो लेंथ ऑफ निकालते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल Therefore, length of normal. नीरज है अभी भी चले गए? अभी भी है? Length of normal is equal to y under root 1 plus dy/dx whole square is equal to y under root 1 plus, चलो dy/dx रखते हैं, dy/dx sin hyperbolic. साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स वाई सी, लिखो. अच्छा हाइपरबोलिक की दुनिया में ना, हाइपरबोलिक की दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले ना अपोजिट साइन के साथ आते हैं. जैसे वहां हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां हम लोग पढ़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहां क्या होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos hyperbolic square theta. यहां उल्टा चलता है, तो ये हो जाएगा this is equal to y under root, ये कौन cos hyperbolic square x by c is equal to आया कितना y cos hyperbolic x by c. और ये बताओ इधर cos hyperbolic x by c तुमको यहां से मिलेगा equation number 1 से, कितना y by c, यानी from equation 1, from equation 1 उसके बाद ये लिखना, from equation 1 cos hyperbolic x by c is equal to y by c. So इसलिए length of normal is equal to y into y by c, that is equal to y by c square. अरे y square by c ना, y स्क्वायर बाय c, नोट करके फिर चलते. प्रॉब्लम शो दैट इन द कर्व, शो दैट इन द कर्व y इज इक्वल टू a log x square minus a square. The sum of the तुम लोगों को बताते हैं ना ऐसे ही सारी बैचेस को बीच बीच में बताते रहते, इसलिए बताते हैं ना ये ना लगे मतलब लाइफ में एक सिचुएशन है उसके भारी भरकम काम पड़ा तो टूट जाओ दो, नहीं आदमी बहुत कुछ झेल करके उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, धीमे धीमे बढ़ता है, धीमे धीमे हिम्मत बरकरार रहे बाकी सब चला जाए ना, हिम्मत बरकरार रहे वो एक फाइनल टच होता है ना. हमको जब आंख में चोट लगी मेरे घर वाले यही कहे, कहे आप उसमें वेट करके बतिया रहे थे, हम ऐसे लेटे हुए थे तो इनको लगा आप सो रहे हैं, तो कहे अब इनकी जिंदगी कैसे कटे, दिन में सोचत रही है, हम आंख खोल के गए हम क्यों ढेर बेचती झेल के पैदा आगे बढ़ाए तो सब परेशान करवा ना, अब हम वैसे चलत रहा परेशान, तब चुप हो गए सब लोग, अब मेरी आगे बात कैसे करें. सम ऑफ द टेंजेंट, आपको मेंटली प्रिपेयर करना टेंजेंट एट सब टेंजेंट वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट सुनो हम करवा दे रहे अपनी किताब में क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेना तुम्हारी किताब के अगर कोई क्वेश्चन छूट रहे नहीं आ रहे ना तो वो इधर बता देना फिर एक दिन वो भी करवा देंगे अभी तो हम अपने हिसाब से मेरे पास जो किताबें हैं हम सारे सही सलामत क्वेश्चन खींच रहा है ये बताओ ये वन अपान एल वन वन अपान एल माइनस वन अपान एल तुम्हारी किताब में है कि नहीं होगा एग्जाम्पल या उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में था और दूसरा वो साइन कॉस वाला वो सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाला चेक कर लेना ना ऐसे इसके भी चेक कर लेना इसके हो सकता है कई मेरे पास जो है वो भी करना सुनो ये कह क्या ये कह रहे शो दैट क्या हुआ नहीं था शो दैट इन द कर्व y इज इक्वल टू a log x स्क्वायर प्लस a एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू ये मत लिखना y इज इक्वल टू a log x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये एक कर्व दिया गया है ये कह रहे इस कर्व में आप ये दिखाइए सम ऑफ द टेंजेंट एंड सब टेंजेंट ये किताब की वर्डिंग है तभी हम कह रहे जहां टेंजेंट लिखा जाए ना टेंजेंट एक लाइन होती है ये क्या कह रहे हैं सम ऑफ टेंजेंट इसका मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट ये लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें आप ऐड कर दो कितना सम ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टाइम देख लेना अपने हिसाब से नहीं इसमें इसमें टाइम लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसमें आप ऐड कर दो कितना लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो आगे ये कह क्या रहे वेरीज ये बदलता है एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो कह रहे हैं इनका पहले प्रोडक्ट कीजिए तो ये प्रोडक्ट आएगा एक्स इंटू वाई और कह रहे हैं जैसे जैसे ये सम बदलेगा वैसे वैसे ये प्रोडक्ट या कह दो जैसे जैसे ये कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट बदलेगा वैसे वैसे सम बदलेगा प्रोपोर्शनलिटी आप समझ में आया वेरीज एज समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी समय कम रहेगा तो दूरी भी कम रहेगी एक साथ बदलना है नहीं बदलना यही काम यहां पर का है सम ऑफ द टेंजेंट प्लस सम ऑफ द सब टेंजेंट सॉरी सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट जैसे जैसे कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा मतलब ये और वो एक दूसरे के कैसे होंगे प्रोपोर्शनल कुल मिलाकर के ना तुमको ये निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट और क्या निकालना है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फिर दोनों को क्या कर देना है ऐड करना है और दोनों को ऐड जब करोगे नकल सुनो जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए एक्स इंटू वाई अपॉन समथिंग या और अथवा एक्स इंटू वाई इंटू समथिंग ये आना चाहिए अब सोचो अगर ऐसा हुआ तो आप क्या लिख नहीं सकते हो कि वन अपॉन सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया या सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया कुल मिला के जो भी हुआ अगर ये तुम सॉल्व करे और सॉल्व करने के दौरान लैम्डा इंटू एक्स इंटू वाई आ गया जरा लैम्डा को हटाओ ये क्या यही बना कि नहीं बना सहमत हो इस बात से चले शुरुआत करें मुझको दो क्वांटिटी निकाल दिए पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट और दूसरा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और दोनों का फॉर्मूला अपने पास मौजूद है चल लगे हाथ निकाल देते हैं इस बार ना अपने लोग ना कर्व क्या है इस पे नहीं जा रहे जो भी कर्व होगा देखा जाएगा खींचना चाह ना तो कर्व खींच सकते हो सब लोगों को वो पढ़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए ना चार्ट हो कितना छेड़ पढ़ा कितना पढ़ाए थे यहां नौ पढ़ रहे थे और नहीं नौ तो बेसिक करते थे कि नौ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दो करवाए थे ट्रांसफॉर्म कितने करवाए थे हम चार करवाए थे और घर से कितने के लिए दिए थे अच्छा पहले ये बताओ पहले ये बताओ हमको डिफरेंशिएबिलिटी जरूरत है तुम लोगों को उस समझ में भी आया कि नहीं आया हवा हवाई लिखे वो कॉपी में ईमानदारी से बताओ कॉपी में कितने लोग नहीं लिखे वो ईमानदारी से बताओ पहले कॉपी में कितने लोग नहीं लिखे एक दो तीन चार पांच छह अच्छा अब ये बताओ कॉपी में जो नहीं लिखे हो तो कैसे क्या समझ आया कि नहीं समझ में आया आप बताओ अच्छा जो लोग लिखे वो लोग हाथों पर गए जो लोग कॉपी में लिख चुके हैं एक दो तीन चार पांच अच्छा ज्यादा नहीं गिनेंगे ना अब ये बताओ जो लोग लिखते वक्त ये पता चल रहा था रूल कैसे काम कर रहा है
वो पता चल रहा था। सुनो जो लोग नहीं लिखे उनको बता रहे हैं, लिख लो इत्मीनान से डिफरेंशिएबिलिटी। जिस दिन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में हम इसका काम करेंगे और तब पता चलेगा हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल के लिए तुमको आ ही नहीं रहा। इंटर मैंने पढ़ा, यहाँ तो ईमानदारी दिखा दो, सात टोटल सात हुए थे हम जो किए थे, जो टोटल टोटल सात। चलो सॉल्यूशन आओ, लिख लो नहीं पता है, तुम लोग नहीं लिखोगे ना तो बाकी सब लोग पिस जाएंगे, हम एक दिन जबरदस्ती पढ़ाएंगे। y is equal to a log x square minus a square। चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, दिस इंप्लाइज दैट d by dx is equal to, पहले तो कॉन्स्टेंट ही बाहर आया, log का डिफरेंशिएशन 1 upon x square minus a square, आपकी बार x square minus a square का, तो कुल मिला करके this implies that d by dx is equal to 2 a x upon x square minus ये रहा। और सबको length of the tangent पता है कितना, y under root dx dy, this implies that पहले यहाँ से dx dy निकाल लेते हैं, dx dy is equal to x square minus a square upon 2ax। now length of tangent is equal to y under root 1 plus dx dy whole square is equal to, अभी तो y ही रहने दो फिलहाल, अंडर रूट बाद में देखेंगे ना। सुनो जब जरूरत पड़ेगी अपने लोग ना y is equal to a log x square minus a square रख लेंगे, अभी ऐसे रख लेते हैं। 1 plus dx dy whole square मतलब x square minus a square का whole square upon 4 a square x square, नोट करो सिंप्लीफाई करो, देखो ब्रैकेट के अंदर का क्या होल स्क्वायर की क्वांटिटी बनती है, बननी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट y अंडर रूट 4 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 माइनस 2 a x। एक काम करते हैं, हाँ सॉरी सर ठीक है, 2 a स्क्वायर x स्क्वायर और अपॉन 2 a x, रूट से बाहर निकाल लिए नीचे वाला, चले ये मेरे पास है, दिस इज इक्वल टू y, सुनो x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब ये बन चुका है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और बटे कितना 2 a x, नोट करो। न्यूमेरिकल तो मिटा ही सकते हैं, डेल्टा आया, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ax, ठीक है। अभी कोई वैल्यू मत रखो, लॉग ऑफ की कोई वैल्यू नहीं, जब फंसेंगे तब रखें, फिलहाल के लिए अभी ऐसे चलते हैं। ये तो हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगली बारी किसकी निकालेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, चलो वो भी निकाल, पहले ये इतना लिखो तब चलो। सब टेंजेंट y upon d by dx मतलब सही सलामत कह रहे हैं y into dx बुढ़े में कर रहे हैं y into dx dy length of subtangent, length of subtangent subtangent is equal to y into d by dx dx dy is equal to y into dx dy निकाले थे x square minus a square upon कितना
टू एक्स एक प्लस एक माइनस कोई नहीं, दोनों का सम करना है ना अपने को, ये आप दोनों को ऐड ये लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये बताओ सब लोग एक बार इधर देखो, इधर क्या y by 2x, y by 2x बाहर कर सकते हैं, तो ये y by 2ax बाहर आ गया ब्रैकेट के अंदर में, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये बनता है 2x स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू y अपॉन 2ax into 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1x से 1x कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू x y अपॉन y हाल है कि नहीं, यानी कि ये लिखा गया दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ax y, क्या 1 अपॉन a में a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो a तो बदल नहीं सकता, तो बदलेगा कौन, x और y, यानी सम ऑफ द टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट प्लस लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट वेरीज एज द वेरिएशन इन द कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट, जैसे कि कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, क्लियर हुआ, x बराबर 2 सुनो x बराबर 2 y बराबर 5 हो, x बराबर 2 y बराबर 5 बोलो दोनों का जोड़ कितना आया, x is equal to 2, y is equal to 5, और बोलो इन दोनों का सम कितना आया, 10 बटे 5 हो रहा है, x is equal to 2, y is equal to 5, 5 गुणी 10, 10 upon a, ये आया, अच्छा अब की बार x is equal to 2, y is equal to 2, अब की प्रोडक्ट कितना आया, 4y, बदल गया कि नहीं, जब जब आप कोऑर्डिनेट बदल रहे हो हम पॉइंट बदल रहे हैं, सुनो पहला पॉइंट मेरा हुआ x comma y is equivalent to 2 comma 3, 3 दूनी 6, 6 by a आएगा, अब की बार पॉइंट बदल दे रहे हैं, पॉइंट आ जा रहा है 4 comma 8, अब की 8 जो 32, 32 upon a आएगा कि नहीं आएगा, अगली बार पॉइंट बदल देते हैं 10 comma 11, 110 upon a आएगा कि नहीं, जब जब आप पॉइंट बदल रहे हो तब तब ये सम बदल जा रहा है कि नहीं बदल रहा है, यही साबित कर रहा है, चलिए पहले इतना पूरा नोट कर लो, नोट कर लो फिर माइनस लिखवाएंगे, पूरा नोट करो, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पार्टिकल इंसिडेंट करा, क्या कराया, एक पार्टिकल आपका इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट पार्टिकल पहला इससे पहुंचा है, देखिए हाइपोथेसिस का पहला यूनिट, इसको मैंने नाम दिया था फॉर्मेशन मोड, क्या कहा था, टेंजेंट शॉर्ट में ऐसे लिखना प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एस टी, एस टी लेंथ ऑफ टी प्लस लेंथ ऑफ एस टी इज प्रोपोर्शनल टू द x into y, proportional to the x into y, that is अर्थात this sum varies, ये sum बदलता है, this sum varies as product of coordinate, पता ना x और y किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बदलेगा, सॉरी जैसे जैसे कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट बदलेगा वैसे वैसे कौन बदलेगा, ये सम बदलेगा, दिस सम वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट, नोट कर अगला कमेंट, अपने को ये याद था, यू और ए में कंफ्यूज था,
अच्छा वो किसकी थ्योरी थी केमिस्ट्री में जो ये कुछ थॉमसन मॉडल था ना जिसमें वो देख के आता है वाटर मेलन मॉडल थॉमसन मॉडल मतलब चेक कर रहे हैं ठीक ठाक ना अभी पगला नहीं है गणित वाले पागल होते ना अभी पगला चलो प्रॉब्लम इज ना शो दैट इन द करंट Show that in the current y is equal to b e to the power x y a b e to the power x y a dash पहली बार the sub tangent is subtangent at any point is of constant length dusri baat the subnormal varies as the subnormal varies as the square of the ordinate अच्छा यहाँ पर फिर एक बात आई है बाद में बाकी बातें न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो बात भी कहेंगे पहले जो बात आई है उसको कह देते हैं यूपी बोर्ड भुजा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एक्स और वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट याद आ रहा है हाँ इसकी स्पेलिंग क्या होती है ए बी एस सी आई सी ए डबल एस ऑर्डिनेट ये सुनो सीबीएसई बोर्ड वालों इसकी हिंदी भुज होती है ऑर्डिनेट की कोटी होती है ठीक है यूपी बोर्ड वालों भुज की इंग्लिश ऐसा होती है और कोट की ऑर्डिनेट ठीक है अब दोनों लोगों को इक्वली पिला रहे ना दोनों लोग इक्वल हो जाओ तब पहले पूरी ये न्यूमेरिकल लिख लो तब फिर बताए न्यूमेरिकल कह क्या रहा है हमने को करना क्या है न्यूमेरिकल पहले नोट करो इंग्लिश आपका इंफिनिट पार्टिकल होगा और आपका जो लिख लेना बताना लिख चुके सब लोग रुके हम जा ही का हम अपनी जगह रुके हुए इतनी देर से यही रुके हुए कॉन्स्टेंट नहीं कह सकते ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस यहाँ से वहां झूल रहे हैं वहां से यहाँ झूल रहे हैं कॉन्स्टेंट होते हैं दोनों पैर वहां यही जमे हुए तब हम कॉन्स्टेंट होते हैं अच्छा सही में हम ऑक्सिलेटिंग हैं तुम लोग भी ऑक्सिलेटिंग हो यहाँ से अपने घर जाते हो अपने घर से दिल्ली चले आते हो रोज में एक जगह आने की चल घट जाती है फिर तुम लोग रोज रोज चले आते हो आप इसको छोड़ देते हो छोड़ दो कल से कोई और परसों से कहीं और हो गया बोले सुनो एक कर्व दिया गया है कर्व है y is equal to b e to the power x y a ठीक कर की हिंदी ना वक्र होती है सीबीएसई बोर्ड वक्र शो दैट इन द कर्व y is equal to b e to the power x y a ये आपको एक कर्व दिया गया इस कर्व में आपको दिखाना है द सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ऑफ कांस्टेंट कि अगर आप अब सुनो हम कर्व खींच रहे मान लो यही कर्व मान लो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप सब टेंजेंट ड्रॉ किसी भी पॉइंट पर
पता है ना सब टेंजेंट कैसे ड्रा होती है, पहले क्या करो टेंजेंट को ड्रा करो, फिर क्या करो नॉर्मल को, टेंजेंट की तरफ वाला एक्स एक्सिस का जो हिस्सा होता है वो आपका कौन होता है, सब टेंजेंट होता है। कह रहे हैं कि आप इस दिए गए कर्व के किसी भी पॉइंट के लिए आप सब टेंजेंट को निकालिए, सब टेंजेंट की लेंथ हमेशा कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट, वो बदलने वाली नहीं है। इसके बाद अगला काम, दूसरा आपको ये दिखाना है द सब नॉर्मल वेरीज, और जो आपका सब नॉर्मल होगा वो तो बदल रहा होगा, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कौन होता है, वाई। इसका मतलब हमको दिखाना है कि लेंथ, पहली चीज दिखानी है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉइंट कोई भी, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, लेकिन अगर आप सब टेंजेंट की लेंथ निकालोगे तो आपको हर बार क्या मिलेगी, एक बराबर, दैट इज अ कांस्टेंट। और दूसरा आपको दिखाना है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द वाई वेरीज एज स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा कि लेंथ ऑफ दिस सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द वाई स्क्वायर, पता है क्या करेंगे, सब टेंजेंट का फॉर्मूला है मेरे पास, उससे लेंथ निकालेंगे, कांस्टेंट आना चाहिए, और मेरे पास किसका फॉर्मूला है, सब नॉर्मल का, अप्लाई करेंगे सब नॉर्मल की लेंथ क्या आनी चाहिए, बराबर कोई कांस्टेंट इनटू वाई स्क्वायर, कांस्टेंट हटा करके प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। समझ आया क्या करना है, चले सॉल्व करें। दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट करके पहले डी बाई डी एस निकाल लो, सॉल्यूशन, दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट करो, कर्व y इज इक्वल टू b e टू द पावर x बाई a, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एस इज इक्वल टू, पहले तो हुआ b e टू द पावर x बाई a, और फिर x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a, यानी दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए ई टू दी पावर एक्स बाई ए। लेकिन एक बात सुनो, बी की एक्स बाई ए कितना है, तो क्या हम इसको सीधे सीधे वाई बाई ए नहीं कर सकते, आया ना, और छोटा कर दिया, कौन लेकर के ढोए उसको ई टू दी पावर एक्स बाई ए को, वाई कर दिया सीधे सीधे, नोट करो। और मेरे ख्याल से सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला याद है, y into dx dy याद है, सब नॉर्मल में सीधे dy dx होता है, लेकिन सब टेंजेंट में उल्टा dx dy। नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y into dx dy, this is equal to y कितना dy dx अगर y by a है तो dx dy a by y, हम उसको पता है ये cancel, that is equal to क्या length of subtangent constant आ रही कि नहीं आ रही, constant, पहला काम मेरा हो चुका है, दूसरा काम length of subnormal, length of subnormal is equal to y into dy ds बराबर y into y by a, this is equal to y square by a और proportional to y square, क्या ये भी हो गया, क्या इसको ऐसा लिखूं, this is equal to ordinate का square, ये देखो, अब पहला और आखिरी देखना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट स्क्वायर, क्या सेम तरीके से बदल रहा है कि नहीं, नोट कर लो। फार्मूला याद रहे ना, सब आसान है, कुछ मुझे काम नहीं है, लेकिन याद रहे तब, और हमेशा याद रखना नॉर्मल की जब जब बात आएगी डी बाई डी एक्स, सब टेंजेंट सब नॉर्मल की बात आएगी तो तुरंत कौन हो जाएगा, सब टेंजेंट डी एक्स डी वाई। कंफ्यूज हो क्या तुम लोग, कंफ्यूज हो नहीं, कोर्स बताओ, अभी तुम लोग कहीं गए भी नहीं, यही मौजूद, हाथ पैर सलामत सब यही से मौजूद, कौन सा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, फार्मूला याद करो क्या होता है, y into dy dx, तो y तो अपनी जगह पर बरकरार है, dy dx की वैल्यू देखो, dy dx कितना है y by a, तो ये हो गया y by a, आया कितना y square upon a, दोनों मल्टीप्लाई किया
और ये बताओ वाई स्क्वायर बाई ए, अगर हम इसको इनसे देखें तो वन अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर लो, तो कितना बना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर है कौन, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट स्क्वायर, अपने को दिखाना क्या था, दिस सब नॉर्मल वेरीज, सब नॉर्मल बदलता है किस तरीके से, एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के स्क्वायर के तौर पर, जब जब आप ऑर्डिनेट को बदलोगे तब तक कौन बदलेगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बस सिंपल नोट करो, फिर अगला करना है। कितने तक गए हैं लोग, तीन बीस, अभी बहुत कम, अभी बहुत कम, कहाँ अभी तो हम लोग एक बजे तो आए हैं, पबजी खेलने के पवन लाइफ लाइन मिलती है, कैंडी क्रश में तो मिलती है पांच, पांच खत्म ना उसके बाद कितने देर इंतजार करना पड़ता है, कैंडी क्रश में पांच लाइफ लाइन की कितनी देर, कितना आधे घंटे, पांच मिनट, ढाई घंटे में पांचों वापस, देखो खेलने वाले लोग बता रहे हैं, पता है ये लोग खेलते हैं कैंडी क्रश, अरे एक समय ये गेम जब आया होता ना, रेड रेड में बैठे पता चलता है सामने वाला कैंडी क्रश खेल रहा है, स्वीट मूव्स ना, उसके बाद और कौन सा मारी कर मार, हां शुगर क्रैश, पता नहीं क्या क्या होता रहता, और टेंपल रन पर करना, सामने वाला टेंपल रन क्या कुछ ना देखो, बस उसके अंगूठे देखो ऐसे चलता रहता, पानी में डाल रहे ना ऐसे जा रहे, जैसे लग रहा है अपने बह रहे हैं पानी में, मोबाइल नहीं तिरछा कर रहे हैं, अपने तिरछा नए की बात होता है, अब ना अब लड़के भी मैच्योर होने लगे हैं, जो छोटा बच्चा होता है सबसे छोटा वो भी मैच्योर है पूरे तरीके से, वो भी जानता है उसको तो पता नहीं पागल होकर क्या रहा है, बस बैठे बैठे उंगली लाएगा, हम लोग जब बचपन में थे हम लोगों के टाइम में पता है कंप्यूटर पे कौन सा गेम आता था, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहाँ बीच में एक गोला है आग का, वो ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, ठीक, और तुमको उसको घुमाना है, यहाँ से पत्थर आते रहेंगे, यहाँ से लाइट निकलती रहेगी, चू चू इसको दगाते रहो, दगाते रहो इसको, घुमाते रहो दगाते रहो, बस ऐसा ही, यही गेम था, स्नैक मेनिया था, जो सांप अपनी पूंछ खा लेता है उसके बाद दग जाता है, वो नोकिया 1600 में क्रिकेट हुआ करते हैं, वर्ल्ड कप के T20 और कैरम हुआ करता था, जिसमें अगर तुम हार्ड मूव लगा दिए ना तो इतनी बेईमानी करता था तुमको हराएगा जरूर, आप जीत नहीं सकते हो, वो कैरम हुआ करता था, फुटबॉल हुआ करता था कोई खेलता ही नहीं, कौन सा, हाँ हाँ सॉकर, और उसको कोई खेलता नहीं था, लोग क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मेरा नोकिया 1600 मोबाइल आया नया नया ना, चार्ज कर करके उसको खेलते थे, चार्ज करके खेलते, पाप मेरे वो भी आ गए, गए काम करो ना, अच्छा हम और हमारी दीदी बारी लगा रहते थे, दुई चांस तो खेला, दुई चांस तो खेलो ऐसा ना, और उसके बाद ना कहते थे हे हे दीदी अब हमारा चांस है अब ना लू, अब हम खेला थे चार्ज करते मैं खेली थी, स्कोर बनाते थे 340 बन गया ना, अब उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने शिखर में बैटरी तोड़ देते, नब्बे के दौर में एंथम था हमारे बजाज, ऐसे ही चलता वो बजाज स्कूटर आता था, हम लोगों के यहाँ पहला स्कूटर था बजाज प्रिया, उस पर हम चलते, हाँ प्रिया स्कूटर का बजाज प्रिया, पता है 999 रुपए लेकर के जाओ, 90 के दौर में 999 रुपए लेकर के जाओ, एजेंसी पर 999 रुपए पे करो, बजाज स्कूटर आपका है लेकर के, नहीं लोन लोन 999 नहीं A² = x + b³³ कॉमन द स्क्वायर द स्क्वायर
ऑफ द सब टेंजेंट ऑफ द सब टेंजेंट द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट लेंथ लेंथ वेरीज एज वेरीज एज द सब नॉर्मल एज द सब नॉर्मल ₹999 में देना पड़ता था, बाकी आपका लोन हो जाता था तुरंत में, तुरंत कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ती थी उस समय, आपको स्कूटर मिल जाता था, आप लेकर के उस समय उसके लिए ना बस यही चलता था हम रहे वहां बजाज, नहीं बजाज रहे वहां हम ले जाए, तो बजाज के लिए ये बात होती थी। अच्छा बजाज उस वक्त इतना फेमस स्कूटर बन गया था ना, जाने कितनी शादियां टूट गई बजाज स्कूटर के नाम पर, स्कूटर नहीं मिल रहा तो हाँ होता था उस समय। अच्छा उस स्कूटर में ना एक मतलब खास बात थी भाई, पीछे एक सीट लगी थी, फैमिली आप लेकर के चल रहे थे उस दौर में, नया नया स्कूटर सबको हाथ लगे, अरे हमको पता है मेरे घर पे साइकिल खरीदी गई थी, तुम ताजुब करोगे, ₹1 डेली पे साइकिल खरीदी, ₹1 डेली रोज आदमी आता था ₹1 लेकर के जाता था, ₹1 डेली कूकर खरीदा जाता था उस दौर में, 90 का दौर ही ऐसा था, 90 के दौर में ना कह सकते हो आधुनिकीकरण की तरफ हम पहला कदम बढ़ाएंगे, 90 के दौर में कूकर प्रेशर कुकर है जो आज लोग खरीदने जाते हैं ना, हॉकिंस वॉकिंस का कहते हैं इतना रुपया दे दिए ले लिया, हम लोगों के दौर में, हम लोगों के दौर मतलब मेरे बचपन में ठीक है, तब हॉकिंस का कुकर खरीदा जाता था ₹1 डेली टीवी ₹1 डेली पे आदमी आता था, साइकिल से आता था ₹1 डेली लेकर के जाता था, ये वसूली होती थी इस तरीके से ना, और उससे हालत ये थी कि आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ता, लेकिन ₹1 भी बहुत असल था, ₹1 में हाजमोला की 16 गोलियां मिलती थी, ₹1 में 16, अब ₹1 में खरीदने जाओ ना हाजमोला नहीं मिलेगा, ₹1 मिलेगा तो 4 गोलियां मिलेगी, तो सोचो 4×16 मतलब 4 गुना दाम समझो, ऐसी कंडीशन थी, 90 का दौर ही 90 का, लेकिन कुछ भी था हम लोगों का गोल्डन ही था, हम लोग 90 के दौर में वो क्रिकेट टीम लेके उठे जो सचमुच में 90 के दौर में हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम आपको सपने देखना सिखाएगी, सचिन गांगुली द्रविड़ कुंबले ये लोग ना जीतना सिखाए थे किस तरीके से जीतना होता है, अरे तब मैच होता था मैच तुम यहाँ से लेकर के चौक पूरा पार कर जाओ पायलटपुर ना तुमको गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, मैच होता तो सड़क सुनी पड़ी रहती थी, 90 के दौर में कंडीशन, पेपर आता था ना तो पेपर में सर उसको रविवार को बच्चों का अलग किनारा निकालता था, तो बच्चे क्या करते ना खुशी खुशी बाल कटाने के लिए तैयार होते थे, क्यों नाई की दुकान पर जाएंगे वहां पेपर देखने को मिलेगा कार्टून पर, कार्टून पढ़ने के चक्कर में बाल कटा लेते थे, अच्छा पहले ड्रामा नहीं होता था वहां जाते थे पढ़ने के लिए पढ़ लेते थे, अब जब बाल कटाने का नंबर आया पटक बैठाए गए छोड़ करके पटक बैठा बाल कटा तो रोना चालू करते थे, अब घर वाले लेके गए घर वाले कदर करने लाते थे अब इनका बाल कटवाओ, अब घर वाले ना एकदम छोट छोट करवा देते थे कि अगली बार जल्दी ना होगी तो पैसा नहीं लगेगा उतना बाल कटाइए, हमको याद है हम अपने मतलब मेरी जानकारी में जो नमक खरीदा जाता है 1 किलो नमक ₹3.5 का, मेरी जानकारी में जहाँ हमको याद है 1 किलो नमक ₹3.5 का, चीनी ₹5, ₹5 किलो चीनी हम जाते साफ 90 के अभी 90 का दौर, सुनो करना क्या है इधर आओ, सो दैट इन द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये आपको कर दिया, इस कर्व में आपको दिखाना है द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट, सब टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा द स्क्वायर ऑफ द सब टेंजेंट लेंथ वेरीज एज द सब नॉर्मल, वो बिल्कुल वैसे ही बदलेगी जैसे कौन बदल रहा है सब नॉर्मल बदल रहा है, क्या हम ये उम्मीद करें कि तुम लोग हमको इसको 5 मिनट में लगा करके दिखा सकते हो, क्योंकि सारा फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में, सब टेंजेंट निकालो सब नॉर्मल निकालो और फटाफट लगा करके बताओ, इंतजार कर रहे हैं देखते हैं कौन पहले बताता है, ये अपने हिसाब से लिख लेना जगह जितनी छोड़नी है देख करके छोड़ देना ठीक, ये तुम्ही लोग लगाए हम नहीं लगाए, हम खाली लास्ट में बस एक जगह पर बताए हुए हैं कि आप डिवाइड करके भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं ठीक। अगला जो करवा रहे हैं अब तक हम जितने भी करवाए उसमें क्या था, उसमें सब में कार्टेशियन था एक्स था और वाई था, अब हम पैरामीटर वाले में करवा रहे हैं, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी y is the function of t, तो ऐसे केस में लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना, मतलब अब हम चारों निकाल देंगे एक ही साथ, टेंजेंट की लेंथ नॉर्मल की लेंथ सब टेंजेंट की लेंथ और सब नॉर्मल, ये पूरा मिटा दे सबका हो गया है,
हाँ इसके बाद हम छोड़ देंगे, इसके बाद जाऊंगा। प्रॉब्लम है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। फाइंड द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट Find the length of the subtangent and subnormal and subnormal at phi is equal to pi by 4 when the equation of the ellipse when the equation of the ellipse is given by x is equal to a cos phi comma y is equal to b sin phi, also find the length of the tangent and normal. इकट्ठे सब नहीं कर पाए, इसीलिए पूरा निकाल दीजिए। ऊपर ही पता है। एलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। यूपी बोर्ड का एलिप्स दीर्घवृत्त। इस बार इलिप्स, अच्छा इलिप्स का नॉर्मल इक्वेशन तुम लोग क्या जानते हो? इलिप्स का x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1, ठीक है? ये इलिप्स का समीकरण है, लेकिन आज की तारीख में इलिप्स का इक्वेशन कैसा दिया? पैरामीटर के फॉर्म में x इज इक्वल टू a cos y, y इज इक्वल टू b sin y, ये इलिप्स का इक्वेशन है। अगर हमको सीधे सीधे क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम सीधे डिफरेंशिएट करते अपने को dy dx मिल जाता, लेकिन आज की तारीख में नहीं मिलेगा। तो आज की तारीख में निकालना हमको भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल किस पॉइंट पर निकालना है, एट पाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। लेकिन सवाल ये खड़ा है, सारा फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े डी बाई डी एक्स के टर्म में या डी एक्स डी वाई के टर्म में, और ये दिया है एक्स के और फाई के टर्म में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये डी एक्स डी फाई, मतलब x फंक्शन है किसका? फाई का। तो x का डिफरेंशिएशन भी किसके लिए? फाई के लिए। y फंक्शन है किसका? फाई का। तो dy dy दोनों निकल गए, दोनों आ गए। अपने को क्या चाहिए? dy dx, इनको इनसे डिवाइड करा दो, dy dy अपॉन dx dy, आया कितना? dy मिल गया कि नहीं मिल गया? बस अपना काम हो चुका है। dy dx एक बार हाथ में आया, अब आप हमसे कहिए हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल दें, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल दें, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो कहो वो निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? जब आपको पैरामीटर में दिया जाएगा तो x पहले जिसका फंक्शन है उसके लिए डिफरेंशिएट करो, y जिसका फंक्शन है उसके लिए करो, दोनों को डिवाइड करके आप अपना dy dx निकाल। चलिए सॉल्व करें। चलो लिखना इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू बी साइन फाई। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स डी फाई इज इक्वल टू माइनस ए साइन फाइव, ये बना। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई डी फाइव इज इक्वल टू ए कॉस फाइव, ये दोनों। और अब निकालो डी वाई डी एक्स, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू
उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा ये डी का डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी फाइव डी एक्स डी फाइव एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई डी फाइव कितना है अपने पास बी कॉस फाइव अपॉन माइनस ए साइन फाइव माइनस बी वाई ए कॉट फाइव सीधे सीधे लिखते चलेगा दिस इंप्लाइज दैट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए कॉट फाइव अच्छा ये तो लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए अपने को जो कुछ निकाला है एट फाइव बाई फोर निकाला है तो क्या इस पूरे में फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई फोर बढ़ते तो cot pi by 4 कितना होता है 1 तो आंसर कितना है d by dx at pi by 4 is equal to minus b by a this implies that d by dx at x is equal to pi by 4 is equal to minus b by a cos many cot pi by 4 is equal to minus b by d by dx मिल चुका है हम लोग हंस रहे हैं तो हंसने का अधिकार है क्या हुआ हम लोग इतने देर तक नहीं हंसे चलो नोट करो देखना सबसे पहले क्या निकाला जाए सबसे पहले लेंथ ऑफ सब टेंजेंट से शुरुआत करें पहला लिखना लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सबटेंजेंट में क्या लगेगा कितना आया था डी वाई डी एक्स माइनस बी बाई तो डी एक्स डी वाई माइनस ए बाई बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाई मतलब ए बाई अपॉन बी कुछ साबित करना था बस केवल लेंथ निकाल दी थी न्यूमेरिकल देखिए तो साबित करें केवल लेंथ निकालना है केवल और केवल लेंथ निकालनी है बस खत्म ठीक है फिर लेंथ ही निकाल लें लेकिन सुनो 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 दिक्कत ये है ना आपको सब कुछ पाई बाई फोर पर निकालना है तो बताओ अब इसमें वाई शामिल हो गया कि नहीं लेकिन वाई कौन है साइन पाई है तो अब इसमें पाई शामिल हो गया अब मुझको पाई नहीं चाहिए एट पाई बाई फोर चाहिए तो यहां पर ना ऐसे लिखे ना वाई के साथ ऐसे एट पाई बाई ऐसे यानी दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी और वाई एट पाई बाई फोर बोलो बी अपॉन अंडर रूट टू बी से बी कैंसिल आउट हुआ कितना है माइनस ए बाई रूट टू लेकिन यह एक बहुत बड़ा लेकिन ये है ये नेगेटिव आ रहा और लेंथ नेगेटिव नहीं वो कितनी होती है पॉजिटिव तो आपने आया जरूर नेगेटिव लिखेंगे नहीं आपने इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ए बाई रूट टू और ब्रैकेट में जरा न्यूमेरिकली आप समझ में आया चाहे तो नीचे ना शॉर्ट में लिख देना लेंथ नेगेटिव नहीं होती है यूपी बोर्ड लेंथ नेगेटिव नहीं होती सीबीएसई बोर्ड लेंथ नेवर बिकम्स नेगेटिव कुछ भी कर लो ये तो हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अगला लेंथ ऑफ दूसरा लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y इनटू dy dx एंड दिस इज इक्वल टू अच्छा सॉरी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y into d by dx लेकिन सुनो y भी किस पर चाहिए at pi by 4 तो ऐसे लिख देना y at pi by 4 into d by dx कितना आया था minus b by ये minus अपने को दिक्कत देगा बाद में हटाएंगे अभी रख देते minus b by a कितना आएगा y at pi by 4 y at pi by 4 केवल b by root उल्टा लिखिए क्या कुछ सब सही है उधर dx dy इधर dy dx हाँ ठीक है सब सही है माइनस b बाई ए
ऐसा बोलो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए रूट टू। आगे ये बात फिर लिख देना न्यूमेरिकली, क्योंकि आप नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, बी स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, और आगे ब्रैकेट में लिख देना न्यूमेरिकली। याद रखना नेगेटिव क्यों छोड़े, बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो। अब बारी किसकी, लेंथ ऑफ तीसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। Length of tangent is equal to under root 1 plus dx dy whole square. ये अभी अभी निकाल चुके हैं dx dy. अच्छा बाहर y. लेकिन y at pi by 4 चाहिए, तो सुधार दीजिए. Is equal to y at pi by 4 under root 1 plus dx dy का whole square. y at pi by 4 कितना आया था अपने पास, b, हाँ b by root 2, b by root 2 under root 1 plus dx dy कहीं आया था, minus a by b का whole square, कुल मिलाकर के ये बना b by root 2 under root b square plus a square upon b square, बाहर निकाल लेते b, तो ये b से b कैंसिल आउट हुआ, सुधार करके लिखते ही आ रहा है अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, लिखा जा सकता है। अरे ये बाहर जो रूट 2 था ना अंदर भेज दिया, तो अंदर 2 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। एक और निकाल लो लेंथ ऑफ नॉर्मल और बता दो कितना आएगा, वो तुम लोग निकाल लो, a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a रूट 2। यस सर, मतलब b by a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, यही ना, सही आ रहा है, सबका यही आया, सबका यही आया है। अरे बताओ ये b by a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, ये लेंथ ऑफ द नॉर्मल है, सबका यही आया, ठीक है। इसी के साथ कथा को विश्राम देते हुए वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन तो हफ्ते भर की बात कर देता, कल पुनः मुलाकात होगी, चित्रहार आता था ऐसे के दिन, कल फिर मुलाकात होगी।